के दिन हम पढ़ेंगे फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जो हम सेटअप कराते हैं मैग्नेट के ज़रिए जो है, तो जब हम उसको करीब लाते हैं किसी कॉइल के, तो मैग्नेटिक जो फ्लक्स जो हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है। वो मेरे को सबसे पहले डिपेंडेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, यानी कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा एंड कितने टाइम में होगा उसके ऊपर है, नंबर ऑफ़ टर्न्स के ऊपर है, यानी कि कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं, एंड नंबर ऑफ़ टर्न्स का मतलब है कि यानी कि कितने टर्न्स के अंदर जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। एंड ये दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें तो ये मेरे पास यूँ आ जाएगा, एंड ये देन के इज इक्वल टू वन आ जाएगा। एंड देन ये आप लोग देख लें कि ये मेरे पास आ जाएगा के इज इक्वल टू वन, तो ये यूँ आ जाएगा नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ई एम एफ हमेशा अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी कि अगर आप कोई बार मैग्नेट है उसको किसी उसकी तरफ लाएंगे कॉइल के, तो कॉइल का जो साउथ पोल है अगर उसको करीब लेकर जाएंगे तो साउथ टू साउथ जो है वो रिपेल करेंगे क्योंकि वो एक जैसे हैं, ठीक है। एंड जब आप उसको दूर लेकर जाएंगे तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव साइन को जो है हम लोग वो पढ़ते होते हैं लॉ में, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। फिर हमारे लिए यही था कि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा जितने टाइम में होगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर करती है, एंड देन ये करके हमारे पास फुल रिलेशन बन जाता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है। तो ये था, एंड फिर हम लोग आगे अब लेंस लॉ वगैरह भी पढ़ेंगे।